यार इटार के चला रहे भाई, डोमिनार वाले तो काफी भाई भारी जा रहे, कुछ भाई लोग ऊपर चढ़े हो, मौज मस्ती चालू है भाई। कौन कहते हैं जो जिला बस डिफिकल्ट है, तो मक्खन कर दिया भाई लोगों। ये है कारगिल का होमस्टे जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, और इस वक्त सुबह के बज चुके हैं 8 और हमने कर लिए चलने की तैयारी, क्योंकि अब यहाँ से निकलना है सीधा दिल्ली के लिए। ऑलमोस्ट तीनों बाइक के रेडी हैं, मेडी भाई की टोल फ्री राइडर और हमने धीरज भाई, और कोल्ड स्टार्ट कर दिया मैंने बाइक। ये थी वो प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हुए थे। थैंक यू हुसैन भाई, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, और दोबारा जरूर आएंगे, 100% आएंगे। हुसैन भाई का नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई लोगों, ये थी वो प्रॉपर्टी, और ये थे भाईजान हमारे हुसैन और शौकत भाई, जो इनकी प्रॉपर्टी है, बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल हम कारगिल से अभी 15 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पर ये छोटा सा गांव जिसको अभी हम कर रहे हैं क्रॉस, और एज सून एज पॉसिबल अपने को निकलना है 3:30 से पहले, श्रीनगर टच करना है। फ्यूल अभी आधा टैंक पड़ा हुआ है, और समय बता दूँ 8:11 हो चुके हैं। तो चलिए आज करते हैं दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर, हर हर महादेव। वैसे तो हाफ टैंक है ऑलमोस्ट सभी बाइकों में, बट प्रिकॉशन के तौर पर फुल करा लेते हैं। आ गया हमारा कारगिल शहर, इस बड़ी सी नदी के साथ साथ बसा हुआ है सारा, बड़ा ट्रैफिक है यहाँ पर। अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आगे मिलते हैं। मतलब एक नंबर चक्कू रास्ता आया है, मतलब तीनों राइडर एकदम पेलम पेल हो गए, कहते हैं चक्कू रास्ता है, एकदम लिटा लिटा के चला रहे भाई। डोमिनार वाले तो काफी भारी जा रहे भाई, दोनों ऐसे लिटा लिटा के चला रहे हैं भाई। फाइनली भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान के सबसे ठंडे इलाके यानी कि द्रास के अंदर, और हमें इस वक्त द्रास की मार्केट में, मार्केट इन द सेंस की हाईवे ही है छोटा सा जो द्रास को क्रॉस कर रहा है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, और हम देख रहे हैं अपने को करना है ब्रेकफास्ट होटल बोरा अफजल होटल रेस्टोरेंट, वो सामने रहा। अबे यार वो कोई और है, पता नहीं कैसा खाना मिलेगा वहाँ, वही था वो मैं बोल रहा था तेरे को, वही था वो। तो भाई मैडी लेके चल भाई, तू जहाँ लेके चलना है। तो यहाँ पर हमने किया आज बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, फिर आएंगे जरूर पक्का। मैडी मैडी है, मैडनेस से भरा हुआ, मैडी यू आर मैडी प्रोमेडी। वो भाई लोगों, इस रेस्टोरेंट पे हमने किए ब्रेकफास्ट, और ये मैडी का ही सजेस्ट किया हुआ था, बहुत ही बढ़िया हमने ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ से चल देते हैं हम आगे, और ये आ गया एक बहुत ही बढ़िया सीनिक सा व्यू जहाँ पे मैं रुक गया, और यहाँ पे मैं सबका वेट कर रहा था। आई वॉज हैप्पी बिकॉज जब आप 5 दिन की रफ एंड टफ राइड से निकल के एक टारमेक वाले रोड पे आते हो, और वहाँ पर आपको बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मिलता है और सीनिक व्यू मिलता है, तो आप दिल से नहीं अंदर से बहुत खुश होते हो। तो फिलहाल अब यहाँ से मैं चल देता हूँ, और यहाँ तक की स्टोरी ये है भाई लोगों, अभी इस वक्त हम द्रास में ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं, और अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है, तो आप इंजॉय करें ये सीनिक व्यू, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। जो लग रहा है वो इस वक्त ये है कि एक ही पास आने वाला है, तो वो है जोजिला पास, सब खतरनाक पास बताते हैं लोग। मैं ये ग्लेशियर बह रहा है, देखो दिख रहा है आपको वो ग्लेशियर वहाँ से बहता हुआ, लास्ट यहाँ है ग्लेशियर, और इसमें से पानी आ रहा निकल रहा, एकदम गंदा मिट्टी वाला पानी जिसे बोलते हैं, लेकिन ये भय के इतना क्रिस्टल हो जाता है कि पूछो मत। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार, जबरदस्त, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धूल भरा, मिट्टी भरा, ऑफ रोड वाला पहच आ चुका है, एकदम पाउडर उड़ना शुरू हो चुका है। अरे भाई जी एंड देगा, होल्ड तो साइड देगा भाई, साइड दे दे यार, मालूम कि ये साइड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लोग सोचते हैं यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ से तो इसका रास्ता शुरू होता है। महफिल चल रही है, महफिल
मेडी भाई भी कह रहा था यार ललित तो अपने कंटिन्यू कर ब्लॉग, ठीक है कंटिन्यू जो आएगा जब भी तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ तेरे पास ये एक अलग कलाकारी है। रंजन भी तो होना चाहिए ना ब्लॉग के अंदर, आपको हंसी भी आनी चाहिए यार, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होनी चाहिए ना, ना कि बनावटी। ये दीवार नहीं है, ये बर्फ़ की बड़ी मोटी दीवार है जो कि धुएं से काली पड़ चुकी है, भयंकर काली पड़ गई है। मेरी भाई सेटलिंग करते हुए डोमिनार पे सेटलिंग स्वाद नहीं आया यार। आंटी के वो जो खाए थे ना बढ़िया से पराठे सारे सेट हो जाएंगे, मैंने तो दो पेल के खाए और चाय भी बढ़िया से मस्त भाई साहब। पर ये तो अगर यही चलता रहा ना तो भाई साहब आधे घंटे में गायब हो जाएंगे। पहले को ये मेरा आज तक का जब से मैं राइड कर रहा हूँ ना ये पहली बार है कि मैं जोजिला पास लेह की तरफ से करूँगा, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी राइड स्टार्ट करी हैं या लेह लद्दाख आया हूँ तो मैं कश्मीर यानी कि श्रीनगर से जम्मू कश्मीर और श्रीनगर ऐसे होते हुए आया हूँ, लेकिन फिलहाल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं लेह की तरफ से जोजिला पास करूँगा। श्रीनगर 108, जम्मू 404 एंड दिस इज़ जोजिला पास आल्टीट्यूड। ये है भाई जोजिला पास का एंट्री लेह लद्दाख। कौन कहते हैं जोजिला पास डिफिकल्ट है, तो मक्खन कर दिया, टूरिस्ट प्लेस बन गया भाई। तो भाई लोगों ये है वो पॉइंट यानी कि जोजिला पास जहाँ से रास्ते हो जाते हैं स्मूद, अब इससे आगे के सारे रास्ते स्मूद हैं। यहाँ पर हम धीरज भाई और अपने मेडी राइडर भाई हम बाइकों को हमारा सामान वगैरह सेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पीछे ऑफ रोडिंग मिलने के कारण हमारा लगेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने भी सेट कर लिया था। अभी मेडी भाई बता रहा है कि अभी रास्ता ठीक ठाक मिलेगा, तो कहीं हल्का फुल्का कुछ अगर खाने को मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट लेके प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी अपने को कहाँ रुकना है, होल्ट कहाँ लेना है या स्मूथली मैक्सिमम एग्जिट करना है, क्योंकि इस टाइम शुरू हो जाती है अमरनाथ यात्रा और कश्मीर में हो जाता हाई सिक्योरिटी और हाई अलर्ट ड्यू टू यात्रा के कारण। इस तरीके से भाई लोगों हमने कश्मीर में एंट्री करी, चारों तरफ हाई सिक्योरिटी थी क्योंकि कावड़ यात्रा इस वक्त चल रही थी और यहाँ पर बहुत वही मैस्मराइजिंग व्यू चल रहे थे, सामने ब्यूटीफुल पहाड़ और हमारे लेफ्ट हैंड में आपको पता है नदी चल रही है। तो भाई लोगों अमरनाथ यात्रा के कारण कश्मीर में सब जगह हाई सिक्योरिटी और हाई अलर्ट था, जगह जगह बैरिकेडिंग थी, इसी कारण से ट्रैफिक को भी रुकवाया जा रहा था जिससे कि अमरनाथ यात्रा डिस्टर्ब ना हो। तो हमें भी यहाँ रुकवाया गया था और हमें होल्ड करा दिया गया था काफ़ी 15-20 मिनट के लिए। भाई लोगों वो टनल भी आ गई है जो हम हर बार पार करते थे जब दिल्ली से कश्मीर की तरफ आते थे, लेकिन इस वक्त हम कारगिल से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और कश्मीर को पार कर रहे हैं, तो इस वक्त हम टनल में एंटर कर गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई लोगों कश्मीर से निकलते निकलते हमें हो गए तो बहुत लेट और हम ऑलमोस्ट जम्मू की सीमा में एंटर करने वाले थे, लेकिन एंटर करने से पहले हमें मिला बहुत तगड़ा वाला जाम जिसमें हमने कम से कम 2-3 घंटे बिताने पड़े, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा नैरो रोड था और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाइक बड़े ट्रक एंड बसेस एक साथ एक दूसरे को पास करी थी, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हमें अपनी बाइकें निकालने में भी इशू आ रहा था, लेकिन किसी तरीके से हम सक्सेसफुली हम जम्मू पहुंच गए। रात को हम ऑलमोस्ट 1 बजे पहुंचे हैं जम्मू और हमें रात में बड़ी मुश्किल से ही हमें एक होटल मिला, होटल बस एसी वाला रूम मिल गया, यही हालत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिलहाल मैं इतना बता दूँ जो हमारा ये दिन था यानी कि कारगिल से लेके जम्मू तक इट वॉज नॉट ईजी। एक्चुअली हम श्रीनगर क्रॉस कर रहे थे, आपको पता है इन दिनों चल रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के कारण क्या है, स्लॉट में यानी कि एक टाइम है उसके अंदर ही आप श्रीनगर को एग्जिट और एंटर कर सकते हो, और यहाँ पर हर जगह आर्मी थी, तो एक तो उसने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लिया, दूसरा हम जैसे ही अमरनाथ मतलब श्रीनगर को क्रॉस करते हैं तो आप श्रीनगर से अगर जम्मू की तरफ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नैरो रोड मिलता है जिसके कारण ट्रक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा हैवी जाम था,
रामबन के पास इतना ज़्यादा जाम था कि यूँ समझो कि हम लोडेड बाइक निकालना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिलहाल बड़ी मुश्किल से हम रात को 1 बजे पहुँचे। मैडी भाई चले गए अपने घर, मैं और अपने धीरज भाई ने हमने ले लिया था रूम। चलो इस व्लॉग को यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो।